पकड़ के। हाँ लगा, पूरी ताकत लगा, जोर से। अभी तक उल्टी करके बाहर नहीं निकल रहा, कम बखत पर ताकत लगा पूरी है तो अभी काट दूंगा। बन्नी ले, हाँ लगाओ लगाओ, खींचो उसके अंदर से पूरी दवा बाहर खींचो। बाप का राज चल रहा है उसके अंदर बैठ के लोगों को परेशान करने को। मारो उसको कम बखत को खूब जोर से। नहीं छोड़ेंगे तुझे, कैसा छोड़ेंगे। अरे नहीं छोड़ूंगी मैं इसको, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं, नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। हमको बांध के रखा है, हमको बांध के रखा है, कैसे निकल सकते हम। उल्टी करा के खींचो उसको बाहर, नाला उसके अंदर से आग लगाओ। जलाओ उसके अंदर से आग लगाओ तेज के साथ। तेरे हैं बताने वाले है। कितने बताने वाले, हम क्या नहीं बता सकते हैं। नाम क्या है? जरीना बानो। अरे मेरा पेट बहुत खिंचता रे। जरीना बानो को कहाँ से लाके लगाए तुम लोगों को, कहाँ से पकड़ के लाए थे? शमशान से, कब्रिस्तान से। चलाओ उसको मारो कुत्ते के साथ में। अरे मेरा पेट खींच के बैठा, वो कैसे निकल सकता हूँ रे मैं, कैसे निकल सकता हूँ। कहाँ से पकड़ के लाए थे जरीना बानो के अंग में, कहाँ से लाए, शमशान से, कब्रिस्तान से। हम नहीं जानते। मैं कहा था इसका सगा खानदान का सगा भाई है? क्या नाम है उसका? हम नहीं जान सकते। किसने डाला वो, किसने जादू चलाया वो? हमको मना किया बोलने से। नहीं बोलेगा तो तेरी जबान काट के जला दूंगा। झगड़ लो उसको तेज के साथ में, नालायक को आग लगाओ उसके अंदर से। अरे आग मत उठा रे, हम बहुत आग उठाते रे इसको। जलाओ उसको तेज के साथ में, आग लगाओ उसके अंदर से। हम नहीं बता सकते, हमको बुरी तरह मारता रे वो, हमको बहुत बुला के, बहुत खेच खेच के हमको मारता रे। हम कैसे निकल सकते हैं, हमको तो पेट के अंदर जम करके रख दिया। देख तुझे कैसा निकालते, तुझे मार मार के, और उसको भी कैसा मारते वो भी देख। उसके बाप का राज चल रहा क्या, भट के शैतानों को मार के लोगों के आंगों में छोड़ा, निकट तू नालायक हो, उसकी भी सारी सिद्धि को जड़ के खत्म करो नालायक के। वो पास जाने से पहले निकल के चली जाना, मैं निकल के नहीं जा सकती किसी के आगे। ये मेरे साथ बहुत कब्रिस्तान के अंदर घाट के रखा उसने, इसका नाम का जादू चलाता रे वो, इसके घर पे चलाता रे, इसकी बेटी पे चलाता रे, इसके बेटों पे चलाता रे। क्या बोलकर चलाता है, क्या बोलकर चलाता है? खानदान को पूरा बर्बाद करने के लिए, पूरा बर्बाद करेगा वो, पूरा पूरा सारा देश मैस करेगा वो। हमको भेजा था, जब बोलते थे हमको मना किया, बोला था हमको पढ़ से उसके अंदर तेजी से आग लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وصحابه اجمعين واحمد يا مروان हम से माफी मत मंगवा हम तो पूरा तेज मैच करेगा हम तो पूरा तेज मैच छोड़ेगा नहीं एक भी नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं पूरा पावर तैर रही हूँ मैं पूरा तेज मैच कर रही हूँ मैं जिसके पेट के अंदर भेजे हमको जादू से हम आए हैं पड़े से बांध के खेसता है मेरे को मैं नहीं निकलने वाली हूँ वो मेरे को निकलने नहीं देता है हाँ भी नहीं निकलने देता है मेरे को हाँ पूरा पेट खेसता हूँ मैं पूरा बांध के जगड़ के बैठा है वो जिसके आगे हमारी कोई बात खोलने नहीं बता नहीं सकती हूँ मैं दोनों हाथ काट देंगे तेरे दोनों हाथ काट के तेरे बाहर टांग देंगे तेरे साथियों के तेरे सबके कमबख्त अगर हमारे सवाल के जवाब नहीं देंगे तो नाम खींचेंगे ना बाहर पूरा पेट अंदर खेच के मार लो उसको नाला को और मैं से नहीं छिकलने वाली हूँ मैं इससे जादू चलाता है मैं इसका पेट खेसती हूँ बोल और नहीं निकलने वाली हूँ मैं नहीं निकलने वाली छोड़ने वाली इसका पेट लगाओ बिस्मिल्लाह पूरी जीवन के आगे लगाया رسول الشيخ العالم كما وصلنا إلى فرعون الرسول فهذا فرعون الرسول فقد نخدم بلا فقير وقتير يوم يجل الدشم صفر بيح كان ود مفعول إنا هذي تاز تاوى اتخذ اللهم سبيلا إنا رب العالمين والله النار الله إن الله غفور رحيم चलाओ उसके हाथ की सारी शक्ति खत्म करो जकड़ के उसकी जकड़ लो उसको तेज साथ में नहीं लगाने वाली हूँ मैं कुछ भी नहीं लगा सकती मेरा मुंह बंद करा के छोड़ा था मैं कुछ भी नहीं खोल सकती हूँ खोलना तो पड़ेगा लगाओ उसको पेट में से आग लगाओ पानी पिलाओ उसको दम करा के गिलास में पानी दो नहीं जानते हैं जिसके कब्रिस्तान में इसके नाम का पुतला करके डाला रहे उसने उसमें सारी साल मलबास की घाल के रखी रहे लगाओ और कब्रिस्तान के पुतले में भी आग लगाओ उसके दवा बाहर खींचो उसके पेट में से आग लगा के उल्टी लगा के बाहर खींच लो अरे अरे नहीं अरे नहीं अरे मेरा शरीर बांध के छोड़ दिया रे पूरा जला देंगे हाँ और जलाओ बांध बांध के जलाओ उसको मार मार मेरा शरीर बांध के छोड़ दिया रे
जिसके आगे हम नहीं बोल सकते एक बात भी, हमसे मना किया रे, जिसका सिर बदनाम करता है वो, जिसके ऊपर जादू चलाता है, सब खानदान को छोड़ूंगा नहीं रे। हाँ आया हूँ मैं भी पूरा पापा करूंगा रे, दिल बदनाम ना मेरा। लगाओ उसके पेड़ में तेज से आग लगाओ। अरे दिल दरवास मेरा नाम है, जो पड़स से मेरे को इलम से फेंका है इसके ऊपर। मैं आया हूँ रे, हाँ आया हूँ रे, हाँ आया हूँ रे, जिसके वहाँ पे इसकी हाजिरी होती है। हाँ उसने पड़स से मेरे को भेजा, बोल 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 बोल। हाँ भेजा था मेरे को, कितने साथ भेजा था, कितने साथियाँ हैं, बहुत है हम बहुत। तब मारने वाले उसको मां से पूनम में मारने वाली हूँ। 10-15 दिन का वादा है अब। हाँ 10-15 दिन का वादा किया हुआ है उसका। क्या नाम है? जरीना भानु को कब मारने वाले है? बहुत साल पहले, अरे बहुत साल पहले की मारने का वादा हुआ था रे। हाँ किसी से इलाज करवाया था, वो वाला टूट गया, फिर भेजा उसने मौका देख कर मार रहे क्या अब उसको? जो सारी कहानी नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। कहाँ से? जादू शमशान से कर रहे थे, कब्रिस्तान से कर रहे थे? आया था मेरे को कब्रिस्तान से, सूरवदियास है मेरा नाम, खीरवदियास, चोरवदियास का बेटा हूँ मैं, बोल पुलिस थानेदार का बेटा हूँ मैं। 10 दिनों को मेरे को भेजा है जादू से, दुश्मनी क्या थी? अंग में आग उठाता हूँ, जादू करने की दुश्मनी, चोरवदियास उठाता हूँ, उसके सारे वतन में आग उठाता हूँ, पूरा टेस्मेस कर रहा, छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं, ऊपर से लागे डालता हूँ इसके ऊपर, नाकों के अंदर, माथे में, कानों के अंदर, पैरों में डालता हूँ रे, वो मेरे को मार मार के बेचता है, बहुत दुखी हूँ मैं उसके आगे, बहुत दुखी हूँ रे, मेरे को बचा लो रे बाबू भैया, जिसके आगे तू पीर भी बना हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ रे, मेरे को बचा ले रे, मेरे को बचा ले, तेरे को अल्लाह का वास्ता है, तेरे को अल्लाह का वास्ता है, बहुत दुखी हूँ मैं उसके आगे, उसका बच्ची का वो हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। जरीना बानो का क्या लिए थे जादू चलाते वक्त? अरे उसने पड़स से इसके बाल के लिए रे, इसके बेटे ने पड़स करके इसके ऊपर फूंक मार दी रे। बाल कौन लेकर गया था उसके? जिन्नात लेकर गया था। कहाँ से लिया था उन्होंने? जिसके बाल पर मेरी इसकी हाजिरी हो रही थी। हाँ जब हमसे मंगवाया रे, हम लेके गए थे इसके बाल, जिस फिर हो गया इसकी हाजिरी होती थी, मेरे से साथ में खिंचवाया था, जिसके आगे हाजिरी पूरी इसके। चलो उसके दवा को अंदर से आग लगा और जला जला के मार के उनको निकाल के बाहर फेंको, नाला को उनके बाप की रात चल रहा, क्या सब लोगों के जाना लेने को, सब कुछ पकड़ लो कम वक्त हो। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, इसकी माँ की रुआती है, दुश्मनी क्या थी जादू करने की, जादू करने की भैया। हाँ जल्दी बता, वो हम नहीं जानते, हम नहीं जानते इसके भाइयों के दो भैया, वो इसको देख के बहुत जलता है, इसका खानदान की बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा चलता है, उसकी बहुत आग उठती है रे, बहुत आग उड़ती है रे उसके, उसके उसके हाथों में भी आग लगाओ तेज के साथ में। अरे भैया इतना मत मारो मेरे को, मैं तो पेट नहीं छोड़ने वाला इसका, नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिसके आगे छुरी घसता है ए, इसका कसम, वो बहुत अपनी अच्छी तरह से पंचायती सुनता है। दुश्मनी क्या थी जादू करने की दुश्मनी? वो तो हमको नहीं पता। अरे भैया छोड़ दे, छोड़ साथ में छोड़ छोड़ दे, अरे छोड़ भैया, अरे छोड़ करेंगे उसको दोबारा परेशान। मैं नहीं करता हूँ, वो करता है, इसके ऊपर जादू टोना क्यों चलाता है, हमारे से क्यों चलवाता है? तुम लोग आएंगे दोबारा उसके अंग में? हम तो आएगा। अच्छा छोड़ेगा ना, अरे छोड़, अरे छोड़ दे, साथ में छोड़ दे मेरे को, जहाँ से गांठें खुलेगी तो हम खुल जाएगा, जिसका इसका वदन है वहाँ से खोल दो, हम निकल जाएगा,
आम निकल जाएगा रे। अरे मत मार रे मेरे को, अरे मत मार भैया, गलती हो गई। अरे माफ कर दे रे, गलती हो गई। करेंगे उसको दोबारा परेशान से मिलके। अरे नहीं करूंगा, जादूगर हुकुम दे रहा तुझे इसको परेशान कर बोल के बच्ची को, तू जाकर उसको परेशान करेगा जादूगर को। बहुत करूंगा उसको, कर परेशान। नहीं कर भैया, इसको परेशान करेगा तो यहाँ से। अरे नहीं, किसको करेगा परेशान? अरे जादूगर को करेगा। किसको करेगा? कब्र से निकला दो, हम निकलने के लिए तैयार है। किसको परेशान करेगा तू? अब जादूगर को करेगा। हम तो इसी को ही करेगा। चल तोबा तोबा कर, निकल जल्दी बाहर। तोबा तोबा दोनों हाथों मुंह में मार के तोबा कर, दोनों हाथ काट दूंगा तेरे। जिसके हाथों में आग उठा रहा ना, और तेज जलाओ उसके हाथों में, तेजी से आग लगाओ दोनों हाथों में, उसकी तेजी से आग लगाओ। छोड़े छोड़े, अरे मैं तो छोड़ छोड़ बहुत बुरी तरह मैं फंस गया रे। दोनों हाथों में तेजी से आग लगाओ, छोड़ो मत उसको, नाल आपको। ये बहुत बुरे तरह फंस गए रे। और सलीमी की औलाद, तू मेरे को पकड़ के फेरा था ना, जिसे आग निकलने की चाहत हो गई। अब तेरी पड़त लेकर आती हूँ तेरी। जल्दी काट दूंगा मेरे को पड़त से खींचता। जल्दी निकलने वाला जादू से पहले से मेरे को भेजा है, जिसके पूरे खानदान पर भेजा है मेरे को, पूरा तबाह करता हूँ मैं सब बच्चों को। नहीं, जहाँ से मेरी गांडे खुलेगी वहां से निकलूंगा, यहाँ से मैं निकल भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, चल तेरी पूरी सारी गांडे खोलता हूँ, तेरे अमल करा के तेरे को सब जला के राख कराता हूँ, फौज को हुकुम देके। कम बखत दोबारा मुझे दिखना है उसके आंग में, तेरे सारे जादूगर का जादू वादू सब जकड़ के ले लेता हूँ। इसके सारा जो भी जादूगर कर रहा है, उसकी सारी तंत्र मंत्र क्रिया को कैद कर लो, नाला के जाके उसकी सारी तंत्र मंत्र की क्रियाओं को कैद करो, और कैद करके ले जाके समंदर के अंदर डाल दो कैद खाने में, नाला की सारी तंत्र मंत्र क्रिया, और उसको ऐसा मारो, उसको फटके देके खत्म करो तेज के साथ में, सारे वार उसके उधर उधर के उधर पलटा कर। तुझे भी ले जाते हैं पकड़ के पेड़ के अंदर, हम जादू चलाते हैं, इसके जादू चलाएगा जादू, पूरा पेड़ खार कर दूंगा मैं इसका। चलो पानी लो ग्लास में, मेरा पेट नहीं खोलने वाला, तू यहाँ से खींचता है मैं वापिस अंदर खींचता हूँ। हाँ लेते हम तेरे को सब करा के, हाँ पिलाओ पानी। क्या मरा दस लारे, कहाँ से आए थे, कौन से जोर से बोलो। कहाँ से आए थे, कौन से गांव से? ओए हेलो, कौन से गांव से आए? जोधपुर से। क्या हमारा इधर ला रहे हैं, मेरे तरफ उधर कहीं मार रहा। हमको छोड़ दो, ये जो मसला है, ये जो दास्तान है, इसको जो पकड़े तो ये कौन है, ये लाकर छोड़े आले कब्रस्तान से उठा उठा कर बलाए, बोल रहा ना वो कब्रस्तान से उठाकर जादूगर ने छोड़ा, और हर अम्मास पूनम में उन्हें वारों पे वारा चला रहा जान लेने के लिए। और दूसरी बात कि इसको आदेश दिया था कि उसे खून अंदर से पूरा पी पी के कमजोर कर करके उसको खत्म कर देना, और ये जो रहता तो इसको क्या बोलते, शमशान कब्रस्तान जागरूक के कुछ अमल रहते, वंदे अमल उस हिसाब से जागरूक करके उठा के ला के छोड़ते, और उसको आदेश दिया रहता कि इसको मारना, पेशेंट को गला के सड़ा के उसको खाली उतना याद रहता बलाओं को कि इसको मारना, इसकी जान लेना, बाकी इसके अलावा दुनिया में की कोई चीज समझती नहीं। और वो बरोबर पेशेंट को सड़ाते गलाते कमजोर करते थे, कमजोर कर करके लास्ट में जान ले लेते पेशेंट की, और पेशेंट को खत्म कर देते, और वो ऐसे नहीं निकलते, क्योंकि लगे वाला जिन्नात लगे वाला शैतान वो अलग रहता, और ये जो है ये लगाए वाला जागरूक करके लाके ये अलग रहता। इसको निकालने के लिए अमल करना पड़ता, अमलों के दौरान में फौजें आती, वो जो भी उनके ड्यूटियां रहते हैं वो सब मिलके उसको लास्ट में कत्ल कर देते, गर्क कर देते, हलाक कर देते, और उसको हलाक और उसको कत्ल कैसा करते, इंसान को मारते वैसा कत्ल नहीं करते, उसको कहाँ से शक्ति मिलती उस शक्ति को पहले खत्म कराते, कौन सी तंत्र मंत्र क्रिया कब्रस्तानों में मसनवाटिया में शमशानों में कहाँ कहाँ घड़े वाले हैं यंत्र जो उसको ताकत दे रहे, पहले वो फ्यूज उड़ाते उसका, फिर वो फ्यूज उड़ाने के बाद में अंदर एक फ्यूज रहता खिलाकर जो छोड़ा वाला पार्ट रहता जिसको दवा बोलते हैं, जो अंदर बैठे थी जो पहले बैठते ही पेशेंट फर्स्ट टाइम में उसको उल्टी होगी निकलना चाह रहा था, मगर मैं अभी रोका, इसलिए रोका कि पहले मेरे को सब सवाल पूछने थे,
अब यहाँ से जाने के बाद भी उल्टे होंगे, अमल के दौरान में भी उल्टे होंगे, झुला दूंगे खूब और उसमें वो निकलना चालू हो जाएंगी दवा, और दवा और शमशान कब्रस्तान जो पार्ट्स गड़े वाले वो दोनों के फ्यूज जब उड़ा देते पूरे तरीके से खत्म हो जाता रिजेक्ट मसला, नहीं तो ये इधर से ही उन्हें वार फेंकता और इधर से ये अंदर की जो चीज रहती पटेली वो दवा वो कैच करती, पूरा फेरी है उसकी, बहुत अजीब होगी, बहुत अजीब होगी अमल करते, तो ये सब मिलके बाद में इंसान को गला गला के सांस लगा के लास्ट में खत्म कर देते। इसलिए तो फिर अल्लाह ने फरमाया ना कि जादू टोने के करीब मत जाओ और एक दूसरे के ऊपर जादू टोना मत करो, जादू टोना बहुत बुरी चीज है, जलाते रहो उसको, मार करो नारा उसको, जरा भी नहीं छोड़ना, बताओ उसको कम वक्त को किसके यहाँ वाला है, जला दे रहो तेरे साथ में, मेरे को छोड़ दे रे, ऐसा उनको जला जला के फिर लास्ट में खत्म कर देना, क्योंकि उनको इज्जत से चले जाओ बोले तो जाने वाले किस्म के बलाएं नहीं रहते वो, जादू टोने से आते हैं, और इज्जत से चले जाओ बोलने वाले वो कौन से रहते हो, झपट लगे वाली वो अलग किस्म के रहते, मगर 99% लोगों पे जो हाजिर होते लोगों पे जाते वो खुद बहुत जादू टोना करयाल होता बोलकर आते, खुद बहुत नहीं आते, खुद को देखा परसेंट किसको लगा तो वो निकल भी जाता, मगर ये जादू टोने वाले फंसदे वाले रहते, उनको फंसा के खेल चलता, बहुत लंबे चौड़े थेरिया है, जादू कैसा नहीं है दुनिया में, जादू पे भी ईमान लाए हमने, हर चीज पर ईमान लाए, जब अल्लाह ने फरमा दिया जादू है कुरान पर ईमान ला वाला, कुरान जितनी चीज है वो सब पर ईमान लाए हमने, वो भी है जादू भी है बलाएं भी है शैतान भी है जिन्नात भी है सब है, अल्लाह ने हर चीज को इबादत के लिए बनाया था इंसान और जिन्नात को, खैर दोनों भी पट रहे हैं भटक के इबादत की छोड़ दे रहे और जाके शैतान के साथ मिलकर नाच रहे, जिन्नात आ शैतान आ इंसान आए सब शैतान के साथ आ गए, जो जैसा करेंगा वो वैसा भरेगा, खबर के अंदर तो भरना है, लामैदी जिंदगी कयामत में अल्लाह के सामने भरना है, लगाओ पन्नी, हाँ खिंचाओ उसके पेट में की सारी दवा खींचते रहो उसकी मार मार के, पुतले की औलाद कैमरा पकड़ के पुतले की जैसा ठहरा क्या, निकालो निकालो और देर से खींच के निकालो उसके पेट में सब मार मार के, हाँ निकालो अंदर से उसके मार मार के खींच के पूरा बाहर, पकड़ के रखो जितना तुम काम दिया उतना करो, क्या करो कैमरे चालू इधर, ये जो है बिस्लरी का पानी, खुदा की कुदरत, बिस्लरी के पानी पे जो भी दम करके फिल्टर जो भी वाटर पीने का दुकान से लाए उन्होंने इस पे दम करके जैसा पिला रहे, तो खुदा की कुदरत देखो, और तुम खुदा की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे, झूठे लोगों मकारो, देखो खुदा की कुदरत, फिल्टर पानी पिलाकर वोमिटिंग बंद हो जाती, और ये देखो खुदा की कुदरत जैसा पिला मार पड़ा पड़ा के अंदर से पूरा खींच के दवा बाहर निकाल के फेंकते, क्या तासीर रहता जबानों का, जबान का तासीर है वो इबादत, तुम अगर जादी करेंगे कर मेरी इतनी इबादत कि मैं तेरी जबान बन जाऊं, तेरा हाथ बन जाऊं, तेरा पैर बन जाऊं, उसका मतलब क्या है देखे ना सामने अपनी आंखों से देखो, पिलाओ निकलाओ गट करके, ये भी जो बॉटल रहती है ये भी दुकान से लाना अपना अपना खरीद के, हम देते नहीं जाकर बाहर से, और दूसरी बात वो भी जो पानी की बॉटल है बिस्लेरी की अपनी अपनी खरीद के लाना, सील पैक इधर सील पैक, और यहाँ निकाल कर यहाँ सब अमल करके, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना और पढ़ के उसको क्या बोलते तो पिलाना, जलाओ 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 उसके अंदर से तेजी से आग लगाओ, निकालो जल्दी पूरी दवा बाहर, पूरी दवा कर सकता हूं, हां जलाओ पेट में आओ और आग लगाओ तेज साथ में, आग लगाओ उसको मार मार के पीछे उसके आओ फाद उसकी यहाँ पानी डालो ग्लास में, पिलाओ ये जो आ रहे जादू टोने के तो मसले मसाइला, खैर इन सब पर हामिद अल्लाह का कलाम है, इसलिए मैं बार बार तुम लोगों को कहता कि सब औगाओं से बलाओं से महफूज रहो,
जेल लगे बुलाते हैं पेट में से पूरा जेल फैला दिया हूँ मैंने इसके शरीर के अंदर सारा फेस कर रहा हूँ मैं वो इसके घर के नाम के इसके कोई खानदान वाला चूड़ी फेंके गया था इसके नाम के इसके वरन के अंदर इसके पेट के अंदर आटे में लगाता हूँ आटे लगाता हूँ और सारा वजन ऊपर से नीचे तक मैं घुमाता हूँ दिन में चैन लेता हूँ मैं रात इसको चैन लेना देता हूँ दिन रात ये जो बलाएं रहते हैं ये सब अलग अलग किस्म के ये जो दास्तान है तो ये खबरस्तान से उठाए वाली बदरूहें हैं बदरूहों को छुड़ाला है मिन्हा खलकनकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा बोल के खबर मल्टी डाल के जो दबाने के बाद में और ये जो है जादूगर इनको उठाकर आंगन छोड़ता और छोड़ने के बाद में ये क्या कर रहे किस तरीके से परेशान कर रहे अंदर की दवा बैठेगी दवा खींचती बुलाती खींचती चलते रहता खेल जब दवा नष्टूंगी तो जब ये सब तरीके से अच्छे तरीके से नष्टूंगा बाकी जिन्ना शैतान वो जो रहते वो अलग है ये अलग है जमीन आसमान का फर्क है इसलिए अमल भी बहुत अजीब हो गरीब और बहुत अजीब हो गरीब उनके अंदर खेल है और अलग अलग थेरी से अलग अलग पार्ट्स बढ़ते उस हिसाब से लेकिन इन सब पर मैं बार बार एक बात बता सकता हूँ कुछ भी रंगो क्या भी रंगो सब पर अल्लाह का कलाम सबके ऊपर काबिज है इसलिए तुम बेहतर है कि अल्लाह के कलाम की रस्सी को मजबूती से थामो तुम पहले बैत का घर आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है उनका घर आना जहाँ पर भी तुम मिल गया उनका अदब करो ऐसा मार मार घराने के सामने फैज है सैयदों के हाथ में और बहुत सारी बातें क्या बयान करूँ बात सैयदों के बहुत बुलंद करा अल्लाह ने तुम कितना भी गिराने की कोशिश करेंगे कुछ भी तो तुम पिस जाएंगे गर्क हो जाएंगे हलाक हो जाएंगे कभी सैयदों के बारे में बेअदबी नहीं करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए कि फिर तुम्हारे से मुंह फेर लेंगे हशर के मैदान में कहाँ जाएंगे फिर कौन बचेगा तुम्हारे को अभी चालू होगा इसको अब मार मार कर इसकी सारी दवा निकालते सब लग गए काम पर क्योंकि यहाँ पर आके जाने के बाद मेरे पास की जो ताकत है अल्लाह ने दिया ली जो भी सिलसिले है जो भी दास्तान है ताकत वो बरोबर ड्यूटी पे लग जाते बरोबर काम करते अब कैसा निकाल रहे उसको जेर कर करके मार मार के नीचे मार कर तो वो चालू हो रहती उनकी ड्यूटी लग जाते बरोबर काम पे एक बार ला लिया हाजिरी दे दिए खत्म बरोबर मारते बरोबर निकालते बरोबर करते क्योंकि करने के भी कुछ तरीके और कुछ अमल है तुम अपने मर्जी से अमल चलेंगे तुम अपने मर्जी से इलाज करेंगे फिर तुम्हारा कैसा इलाज होगा हाउ इट पॉसिबल भाई जो बताऊंगा तुम जिस पे अमल करेंगे जिस तरीका से पढ़ेंगे जिक्र अस्कार इबादतें अमल वो सब तो तेजी के साथ कटेंगी वो बाबा वो बला वो सब कसम होंगे और बस बार बार मैं तुम लोगों को इतना ही बोलता हूँ कि जो ना मांगे सीख फिर वो दर दर मांगे भीख इसलिए ज्यादा से ज्यादा इबादत की रस्सी को मजबूत मार कर जलाओ उसके अंदर तेज के साथ जलाओ उसको पूरा पेट को जकड़ लो अंदर से नाला के तो आए बांध के अंदर इसका पेट पहले फुला देते हैं बांध से निकलने का वादा पूरा तेज में करके छोड़ूंगा जिसके अंदर आग में उठाता हूँ पूरा सीना काटता हूँ मैं इसका सीने के अंदर कभी करता हूँ सीने के अंदर कभी पेट के अंदर बालियां ये सब चीजें निकाल के लेके आ रहा हूँ गले में के ताबीजा ताकि उससे क्या होता है पढ़ाई में पकड़ने में जकड़ने में चूड़े फूट जाते हैं हाथ फट जाते हैं अंगूठा से अंगूठियाँ भी वाइन टाइम में पकड़ने नहीं देते जो भी घुस जाते हैं हाथों में पढ़ाई के टाइम पे इसलिए ये सब चीज़ें नहीं रखना वो सब बाहर से निकाल कर अंदर आते जाना मेरे सामने का सही तरीके से ट्रीट करना इलाज अपनी मर्जी से और अपने दिल से इलाज नहीं करना बार बार बोलता वहीं की सारी बातें तुम्हें बाहर कान में के बालियाँ रहेंगे वो भी बाहर फेंकना उसके आने के बाद लौटता हूँ तो बालियाँ पूरा खुल गया अरे अंगूठे सब चीज ना
सकता हूँ मैं अब नहीं खुल सकता हूँ। जल्दी करते जाओ जरा इलाका भेजा मेरे को जब इसकी आगे इसकी हाजिरी होती ना हमको रोकना पड़ता हमको रोकना पड़ता कभी भी होता था इसका पैसा जल्दी होने वाला था उसने रोका के रखा है। चलो नजदीक लाके आओ रखो जाता कि नहीं जाता इस से? अरे नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा नहीं जा सकता हूँ मैं अरे नहीं जा सकता हूँ बहुत ताकत दी मेरे के शरीर के अंदर मैं कैसे निकलूंगा। अरे बहुत गलती हो रही है मेरे से अरे बहुत भूल हो रही है रे पेट के अंदर झगड़ा हूँ मैं कैसे निकल सकता हूँ अरे अरे बांग के अंदर मेरे को फेंकता हूँ कैसे निकल सकता हूँ अरे छोड़ दे रे अरे छोड़ दे रे अरे भाई अरे छोड़ दे मैं निकल जाऊंगा अरे निकल जाऊंगा छोड़ दे अरे चलाओ उसकी सारी ताकत कम करो तेजी के साथ में निकल जाऊंगा मैं छोड़ दे निकल जाऊंगा अरे भाई निकल जाऊंगा अरे छोड़ दे अरे दुख रहा है मेरा बहुत तकलीफ हो रही मेरे को बहुत तकलीफ हो रही मेरे को उसको मार मार के खत्म करो उसको छोड़े भैया छोड़ दे रे बहुत दुख रहा मेरा तोबा तोबा कर जल्दी खत्म कर दो उसके हाथों में अरे फाइन डालो जिसमें हाँ ये पिलाओ पानी अब यहाँ से चालू होगा पुरसे सब ऑटोमेटिक उल्टिया होंगे ऑटोमेटिक जुलाब होंगे और वो सब निकल के जाना चाहूंगा जैसे जैसे दवा निकलेगी वैसा वैसा कमजोर होके खत्म होगा। अभी तो बहुत नस नस में पूरा पेट में मजबूती के साथ बढ़ रहा हूँ खैर इंशाल्लाह जैसे जैसे अमल चलेगी वैसे तरीके निकल जाऊंगा अंदर रहेगा की बहुत मार पड़ेंगे निकलना तो पड़ेगा देखो एक ही ऑप्शन है भैया 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 यार गलती बहुत की मैंने बहुत गलती की निकल जाऊंगा कौन से आए थे देखिए अभी खैर अमल करना पड़ेगा जिस तरीके से अमल करेंगे इंशाल्लाह पूरा जला के राख कर देंगे चलो रो दो।